नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हाल ही में अनुराग कश्यप ने एक्टर्स की मनचाही डिमांड्स के बारे में बात की थी। उन्होंने हेयर और मेकअप आर्टिस्ट के बारे में भी कहा था कि डायरेक्टर और कैमरामैन से ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अब अनुराग के बयान पर मेकअप आर्टिस्ट शान मुथिल ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अनुराग को खुद कम पैसों में काम करने की शुरुआत करनी चाहिए, उनकी फिल्मों में तो हेयर और मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। उनकी फिल्म की नायिका 250 रुपये की सूती साड़ी पहनती है। मेकअप आर्टिस्ट शान मुथिल ने अपने 20 साल के करियर में जैकलिन फर्नांडिस और श्रद्धा कपूर जैसी अभिनेत्रियों के साथ काम किया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अनुराग कश्यप के बयान पर नाराजगी जताई है। शान ने कहा, अनुराग ने कई हिट फिल्में दी हैं, क्या वो किसी नए डायरेक्टर के बराबर पैसे में फिल्म करेंगे? इस तरह की बातें वो ईर्ष्या में कर रहे हैं। शान ने आगे कहा, इंडस्ट्री में हर किसी को ऊंची फीस नहीं मिलती, केवल कुछ चुनिंदा लोग ही 1 लाख से 2 लाख रुपए तक कमाते हैं। यह सुनकर वो अपना आपा खो सकते हैं। मैंने तो कभी भी अनुराग की फिल्म के लिए इतनी फीस का डिमांड नहीं की। मुझे पता है वो नहीं देंगे। उन्हें तो ऊंची फीस वाले हेयर या मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो ऐसी फिल्म नहीं करते जिसमें शिफॉन साड़ी और ब्लो ड्रायर बाल हों। उनकी फिल्में किसी गांव में 250 रुपये की सूती साड़ी में एक नायिका के साथ होती है जो जागती है और रोती है। बता दें, हाल ही एक इंटरव्यू के दौरान अनुराग कश्यप ने स्टार्स की मनचाही डिमांड्स पर बात की थी। उन्होंने कहा था, एक एक्टर ने उनकी फिल्म करने के लिए ऐसे शेफ की डिमांड की थी जो रोजाना खाना बनाने के लिए 2 लाख रुपए फीस लेता था। अनुराग ने ये भी कहा था कि कुछ हेयर और मेकअप आर्टिस्ट रोज के 75,000 रुपये लेते हैं, उनकी फीस टेक्नीशियन से भी ज़्यादा होती है। उन्होंने कहा था कि अगर वो खुद हेयर या मेकअप आर्टिस्ट होते तो ज़्यादा अमीर होते। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।